मोबाइल खरीदे हमने हमारे 150 यार ना आपके देखो दक्कती है कि 150 और आज मेरे गरीब आदमी के तो नुकसान करो है मेरी बैठक में तेरा आगो बता मैंने नु कही हम आप हटा लेंगे हाथ जोड़ के हमने निशान लगा दिया तुम निशान दे देता तुम अपना मकान हटा अपना खाली कर देती मैं सर बैठक में भी लगाया है लैट्रिन बाथरूम सारी तोड़ी है पहले निशान कोई नहीं था लाल कि यहाँ से हटा लो कि यहाँ पर निशान लगाया है तुम्हारा अब बाद में अभी निशान लगाया है और अभी यहीं पर थोड़ा फाड़ी करी है उन्होंने। बुधवार को बिछोर गांव में सड़क चौड़ीकरण को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा एक अभियान चलाया गया जिसमें अवैध तरीके से बनाए गए मकानों को जेसीबी के माध्यम से तुड़वाया गया। यह अभियान ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में चलाया गया जिसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार कमल सिंह व गिरदावल सुरेश पटवारी हुसैन खान व पीडब्ल्यूडी विभाग के जय बिलाल खान व भारी पुलिस बल के साथ अवैध मकानों का रास्ते से कब्जा हटाया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग के जय बिलाल खान का कहना है कि एक हफ्ते पहले ग्रामीणों को नोटिस दे दिया गया था। वहीं कई घंटे चले इस अभियान में ग्रामीणों ने कई सवाल भी उठाए हैं कि चहेते अमीरों के मकानों को बचाया गया और गरीबों के मकानों को तोड़ा गया। ग्रामीणों का आरोप है कि हमें नोटिस तो एक हफ्ते पहले थमा दिया गया था लेकिन हमें निशानदेही नहीं कराई गई थी, हमें कैसे पता चलता कि हम अपने मकान कहां से तोड़ें। वहीं ग्रामीण शहीदन छुट्टन मुश्ताक इरफान का आरोप है कि यदि हमें नोटिस के साथ साथ निशानदेही करा दी जाती तो आज गरीबों में हमारा यह नुकसान नहीं होता। गरीब परिवार का कहना है कि एक तो पहले से ही कोरोना की मार झेल रहे हैं, ऊपर से घर टूटने से परिवार पर पहाड़ टूट पड़ा है। पुनहाना से मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। सब क्या नाम आपका? मोहम्मद बिलाल। बिलाल जी, ये जो आज जेसीबी का पीला पंजा चलाया गया है मकानों पे, किस तरीके का कब्जा है, कब इनको नोटिस दिया गया? ये पिछले महीने अक्टूबर के लास्ट वीक में दिया गया लगभग, और हमने निशानदेही लगभग जून में कराई थी, जून जुलाई के आसपास, मई जून में। उसके बाद में निशान लगा दिए पक्के निशान, वो फिर लोगों ने हटा दिए जहाँ निशान लगे हैं सबको पता है, और हमने बहुत दिन से ये कह रहे हैं कि हटा लो अपना जो भी कब्जा है हटा लो, लेकिन नहीं हटाते। आखिरकार हमने ये कदम उठाना पड़ा है। ये 18 फुट पक्की है, उसके बाद में 3-3 फुट के बरम है। ये बिछोर से नवलगढ़ 44 फुट का रास्ता है। गांव वालों का आरोप है कि रास्ता जो है पूरी तरीके से सीधा है लेकिन उसको इधर उधर घुमाया गया है जगह जगह। जी नहीं, चाहते लोग हैं उनके मकानों को बचाया गया? नहीं, हमने किसी का कोई मकान नहीं, अगर किसी का कोना आ रहा है, कॉर्नर आ रहा है तो उसको थोड़ा करके कभी सारा गिर जाए इस वजह से, और उनको हिदायत दे दिए कि 1-2 दिन में हटा लेंगे, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। जो हमने निशान लगाए हैं उससे हम फालतू नहीं जा सकते, कम तो रह सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन हम फालतू नहीं जा सकते, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। इस रास्ते में कहीं घुमाव है या कुछ सीधा रास्ता? घुमाव भी है। जल्दी ही कोशिश है, दिवाली के बाद इस पर पूरी तरह से काम शुरू कर दिया जाएगा, जो नाली बची हुई है उनको कंप्लीट कर दिया जाएगा। किसकी अगुवाई में अभियान चलाया गया? ये नायब तहसीलदार साहब SDM की तरह ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए हुए हैं और हम सब हैं इसमें। बेटा हमने नोटिस ना दी कुछ, हमने नो कही हाथ जोड़ कब भी, अब बेटा हम लोग हाथ जोड़ के निशान लगा जाओ और हम अपनी बैठक के गाटर उतार लेंगे, टुकड़ी उतार लेंगे, लेटरिन बाथरूम की नुकसान होगा, किवाड़ टूटगा, टुकड़ी टूट गई, इतना नुकसान, डंडा फोड़गा, तो इतनी भी ना मानी हमारी, हम गरीब आदमी मियाँ साहब मांगा खावा मोल खरीदे हमने 150 यार ना आपके देखो दक्कती है कि 150 और आज मेरे गरीब आदमी के तो नुकसान करो है मेरी बैठक में तेरा आगो बता मैंने नु कही हम आप हटा लेंगे हाथ जोड़ के हमने निशान लगा दियो तुम हम गरीब आदमी मियाँ साहब हमारे जंगल में घर ना खेत ना गाँव में घर ना और हमारे इतने नुकसान करवाए बेटा दमन ने हम गरीब आदमी मियाँ साहब हमारे कुछ भी ना है अपने मजदूरी करार खामा और जब इतना नुकसान हमने बेटा हमारे पूरा करो मेरी बैठक कितना नुकसान हो हमें इससे पहले गई पीछे से तोड़ो और शादी में गई मेरे सब लोग नुकसान कर दियो गेट तोड़ दिया मेरे कपड़ा धोने मशीन धो तोड़ दी पीछे से ताले तोड़ दिए मेरे और ने तो कहिए तो उनसे माने नहीं है ना सामान हटाने दियो और सबसे चोरी हुई मेरे निशान दे दिया था तो मैं अपना मकान हटा अपना खाली कर देती मैं पहले आपको निशान दे नहीं दी गई नाम को नो बताई
कितना नुकसान हुआ आपका? अब मेरा बहुत नुकसान होगा, बताऊँ का मैं तो घबराई पड़ी हूँ। इतना देखो जा रहा पेंट का सामान, सगलो सामान, पतीला वतीला सब फोड़ दिए, मशीन पाइप पाइप सारा ये बाहर पड़े। अब सब तुम दुनिया देख ना रहे सब पड़े। ये नोटिस हम पे दिया गया था, यहाँ पर कोई निशान नहीं था हमारे पास, कोई निशान नहीं लगा हमारे मकान पे। अब बाद में आए हैं उनने तोड़ फोड़ करिए, नुकसान हुआ हमारा, दुकान भरी उसमें भी निशान लगाया है, उधर बैठक में भी लगाया है, लैट्रिन बाथरूम सारी तोड़ी है। पहले निशान कोई नहीं था लाल कि यहाँ से हटा लो कि यहाँ पर निशान लगाया है तुम्हारा। अब बाद में अभी निशान लगाया है और अभी यहीं पर तोड़ा फाड़ी करी है उनने। या पहले कोई निशान नहीं लगा? नहीं, पहले कोई निशान नहीं है।